जड़े खास तौर पर दिल्ली वाले है वो साडे लफ्ज़ां नूं साडे लफ्ज़ां दे अर्थां नूं जिहड़ा वो जाणदे। मैं नेता नाल गल हुई, मैं उन्होंने कहा तुसीं साडे भाषा साडे शब्दां नूं समझदे नहीं। कल नूं असीं इह कहता वी भाई सिखां ने चाह नहीं पीणी समुंदर पीणा, ते तुसीं कहते हुण जिहड़े पोर्ट आ उत्ते फौज ना तैनात कर दिओ वी सिख समुंदर पीण आ रहे। इह साडे शब्द है चढ़दी कला वाले, इहनूं तुसीं नहीं समझ सकते, इहनूं असीं ओह समझ सकते हैं। इह साडे चढ़दी कला दे बोले है, इह साडे आई बोले जिहड़े आ ओह गजदे रहणगे। इह बोले साडे जिहड़े आ इसे तरह जिहड़े है ओह मौजूद रहणगे। असीं सरकारां दे नाल कोई विवाद नहीं चाहुंदे, सानूं पता है विवाद दे नाल मसले हल नहीं हुंदे, संवाद दे नाल मसले हल हुंदे है। असीं संवाद चाहुंदे आ, आओ बैठो साडे नाल संवाद करो, असीं बैठण लई तैयार हैं। आ गंगवीर राठौर ने कहा कि जे नागियां नाल बह सकते हो कश्मीरियां नाल बह सकते हो तो साडे तो शर्म आउंदी है, असीं जेठ लगते हो तुहाडे, साडे नाल नहीं बैठ सकते, तुसीं साडे नाल बैठो, सानूं पुछो, वड्डे भराओं सानू पुछो आके कि तुसीं भाई छोटे हो की तकलीफ है तुहानू। 75 साल हो गए, 75 साल, इन्हां 75 सालों के 75 कमिटमेंट्स जड़ियां ने वो भारत सरकार ने कीतियां सिखां दे नाल, और हैरानी की गल है कि एक भी पूरी नहीं की। डाटा है साडे कोले कि 75 किस्म दियां जड़ियां ने कमिटमेंटां वादे जड़े ने वो साडे नाल होए ने, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। असीं फिर भी चुप हैं, सानू फिर भी वक्खवादी, फिर भी अतवादी कहा जा रहा, किन्ना चिर ये चलूगा। बिल्कुल सही गल है, असीं बोलांगे जे पंजाब दे विच साडी आवाज़ दबोगे, असीं हरियाणे तो बोलांगे हरियाणवी बन के बोलांगे, असीं बंगाल तो बंगाली बन के बोलांगे, असीं महाराष्ट्र तो मराठे बन के बोलांगे, असीं USA तो बोलांगे, असीं इंग्लैंड तो बोलांगे, असीं आस्ट्रेलिया तो बोलांगे, असीं बोलदे रहांगे। साडी आवाज़ नूं तुसीं दबा नहीं सकते, तुसीं बिल्कुल भी साडी आवाज़ नूं नप नहीं सकते। मैं जिन्ने भी इत्थे नौजवान खास तौर दे उत्ते, क्योंकि नौजवानां दे विच काम करन दी बड़ी रुचि और समर्था हुंदी है, असीं चाहुंदे आ कि जिहड़ा एंटी सिख फोबिया या पंजाब फोबिया ये दिखाया जा रहा है, इनू क्रैक करन वास्ते असी एक ट्रैकिंग सिख फोबिया पंजाब फोबिया जड़ा है एक इस तरह का संगठन जड़ा है वो गठित करिए, इस नाम का इनू ट्रैक करन वास्ते और इनू क्रैक करन वास्ते कि जो भी साडे खिलाफ़ झूठियां खबरां जड़ियां ने वो प्रसारित कीतियां जांदियां ने, इनू तोड़न वास्ते असी एक ऐसा मजबूत ग्रुप जड़ा है वो कायम करांगे। जिहड़े भी पत्रकार अज इत्थे पहुंचे है जे जिहड़े नहीं भी पहुंच सके है, कईआं दीआं मजबूरियां फोन आए है नहीं पहुंच सके है, उन्हां दे नंबर ने साडे कोले, असीं उन्हां नाल संपर्क करांगे। और मैनूं उम्मीद है कि पत्रकार भाईचारा जिहड़ा है वो इस ग्रुप दे राहीं साडा जिहड़ा है वो सहयोग करेगा। असीं बिल्कुल जिहड़ा बिरतांत सिरजिआ जा रिहा है खास तौर पर पंजाब दे प्रति सिखां दे प्रति, असीं उस बिरतांत नूं जिहड़ा है वो तोड़ांगे। जिहड़े बिरतांत नूं तोड़न वाले चैनल सी उन्हां ते तां तुसीं पाबंदी लगा दित्ती है, हुण असीं पिंड पिंड तों घर घर तों असीं जिहड़ा इस बिरतांत नूं तोड़न वास्ते यतनशील होवांगे, और एक दूसरे नाल जिहड़ा है वह मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के तुरांगे। आउण वाले कुछ दिनां दे विच विसाखी दा पर्व है, बहुत वड्डा पर्व है इत्थे असीं मनाउणा है, ते विसाखी तों बाद असीं जिहड़े नौजवान पत्रकार जां जिहड़े सियाणे पत्रकार है, क्योंकि इन्हों का बड़ा वड्डा तजर्बा है, सरदार जसपाल सिंह जी बैठे ने बड़े एक्सपीरियंस है, सरदार हमीर सिंह जी मानक साहब बैठे ने बड़ा इन्हों का एक्सपीरियंस है, असी इन्हों के एक्सपीरियंस का लाभ भी लवेंगे, और नौजवानों की जिहड़ी ताकत है असी इहदा भी जिहड़ा है वो लाभ लवेंगे। असी ऐसा एक ग्रुप ऐसा एक हाउस जिहड़ा वो कायम करांगे आने वाले दिनों दे विच, जिहड़ा कि साडे खिलाफ सिरजे जा रहे बिरतांत नूं तोड़न का कार्ज करेगा। मैं फिर कह दा पंजाब सरकार नूं, फिर इस मंच तो असीं कहना चाहुंदे हां कि ये जिहड़ी सख्ती कीती है या जिहड़ा ये पैनिक क्रिएट कीती जा रही है इस नूं जिहड़ा है वो खत्म करे। विसाखी है, इत्थे संगतां ने आउणा हुंदा है, और असीं तां हर साल ही देखदे हां 7 तरीक नूं इत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ हो जांदा, 5 तरीक तो इकट्ठ होना शुरू हो जांदा है, लेकिन संगत की गिणती जिहड़ी है वह 10% है। कारण की है? कारण यह कि हुकूमत ने पैनिक क्रिएट किया है।
पहला उन्हें कहा कि अमृतपाल सिंह इतने गिरफ्तारी देगा, हुण कहन लग जाएंगे विसाखी वाले दिन गिरफ्तारी देगा जी, तो उहदे नां दे उत्ते जिहड़ा है वह एक पैनिक क्रिएट करन दा जिहड़ा यतन जिहड़ा है वह किया जाऊगा। इस तो सरकार जिहड़ी है वह गुरेज करे, सरकार नूं इह चीज़ां चंगीआं नहीं लगदियां, सरकार का भी अक्स खराब हुंदा है। सरकार नूं खास तौर पर मैं पंजाब सरकार नूं कहना चाहुंदा कि जदों तुसीं इस तरह का माहौल सिरजदे हो ना, तो पंजाबियों का अक्स खराब नहीं हुंदा, पंजाब का अक्स खराब नहीं हुंदा, पंजाब दे विच रूल कर रही सरकार का अक्स भी खराब हुंदा। घट्टो घट्ट आपका अक्स तो बचा लो, अपना अक्स तो बचाओ, तुसीं तां घट्टो घट्ट इस तरह का जिहड़ा है वह वरतांत जिहड़ा है वह सिरजन दे विच सहयोग ना दिओ। पंजाब दे विच रूल कर रहे हो, पुलिस वालों दी बेचारियां दी छुट्टियां कैंसल करतियां, कहिंदे कोई भी पुलिस मुलाजम छुट्टी ते नहीं जा सकता, सब नूं दमदमा साहब भेज दिता गया, भी की होना इत्थे बई। हर साल ही संगत आउंदी है विसाखी मनाउण वास्ते, इस बार भी आ रही, तो संगत नूं आउण दिओ, संगत नूं मथा टेकण दिओ। ये खालसे का साजना दिवस है और खालसे का साजना दिवस जिहड़ा है इहनूं श्रद्धा उत्साह दे नाल जिहड़ा है वह मनाउण दिओ। मैं उम्मीद करदा अंत दे विच अपने सारे पत्रकार मैं उम्मीद करदा अपने सारे पत्रकार वीरां तों कि वह साडा सहयोग जिहड़ा वह देणगे और असी इसे तरह ही पत्रकारां दे नाल खड़ांगे। पत्रकारां दी एकत्रतावां सैमीनार जिवें काया सी विचार इत्थे कि सैमीनार होने चाहिए, हेरां साहब ने मेरे ख्याल किया तो बहुत वधिया विचार है, असी इसे तरह जिहड़ा सैमीनारां दे नाँ ते मीटिंगां दे नाँ दे उत्ते कॉन्फ्रेंसां दे नाम दे उत्ते असी जिहड़ा है वह इकट्ठे हुंदे रहांगे और अकाल तख्त साहब जिहड़ा इस कार्ज दे विच तुहाडा जिहड़ा है वह साथ दिंदा रहेगा। वीर ने इत्थों कई गल, असी 27 तरीक नूं जिहड़ी अकाल तख्त साहब ते मीटिंग सद्दी सी उहदे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कहा सी भी जिन्हां ने गलत खबरां फैलाईआं ने जां जिहड़े पुलिस अधिकारियां ने सिख राज दे झंडिआं नूं खालिस्तान के झंडे कह के जिहड़ा है वह बदनाम किया, उन्होंने खिलाफ जिहड़े है वह परचे दर्ज कराए जाण, मुकदमे जिहड़े उन्होंने खिलाफ जिहड़े है वह किए जाण। मैनू इस गल का गिला है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पासे कोई सार्थक कदम नहीं चुकया है, जबकि चुकना चाहिए सी। फोन आने लग गए सी सानू कि छड्डो खैड़ा जी, छड्डो खैड़ा जी, और बहुत कहा कि छड्डना नहीं है खैड़ा, तुसीं परचे दर्ज कराओ, लेकिन नहीं कराए। ये मैं समझदा कि मंदभागा वर्तारा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक श्री दमदमा साहब की धरती तो फिर आदेश ही दिता जाता है अज के इस इकट्ठ वालों कि परचे जिहड़े इन्हां दे खिलाफ जरूर दर्ज कराए जाण, ताकि कोई भी जिहड़ा है वह सिखां नूं बदनाम करन दा जां पंजाबियों नूं बदनाम करन दा यतन जिहड़ा है वह ना कर सके। मैं अंत दे विच इक वारी फिर धन्नवाद करदा जिहड़े चैनल बंद कीते ने सरकार ने, वो असी चैनल हर हालत जिहड़ा है वह चालू करवाउण दे लई यतन करांगे और सरकार नूं भी अपील करदे हां कि ये चैनल तुरंत जिहड़े है वह चालू किए जाण, ते ये जिहड़े बंद चैनल ने असी इन्हां चैनलों के बिल्कुल नाल खड़े हैं और नाल खड़े रहांगे। मैं एक बारी फिर सारयां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा और नाल ही अपील है कि इत्थे ही आपां ने लंगर पानी भी छक के जाणा है क्योंकि दूरों दूरों आए। बहुत ही ज्यादा ये मंदभागी वर्तारा है, ये वर्तारिया तो ग्रेज करना चाहिए जी। ये लिखे जी ऑपरेशन अमृतपाल विचाले जथेदार, मेरी स्पीच लाइव चल रही है इस चैनल तो और हैडिंग है अमृतपाल ऑपरेशन के विचाले आज तक न्यूज़ 18 चैनल ना इस तरह करो यार ना, मतलब फेक जड़ियाँ इतने अमृतपाल कितने हैगा, तो इस तरह दियाँ ना जड़ियाँ वो स्टोरियाँ चलाओ, इस तरह का ना जड़ा वो मैसेज क्रिएट करो, असी इसे क्रैक करने वास्ते अज की जी एकत्रता सदी है। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े डॉक्टर साहब जड़े ने अंत के धन्यवाद करे और ना ही जोड़ा लंगर पानी छक के जाने की कृपालता करनी।